हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 8th का एक्सरसाइज 2.3 को। इसके क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच गए हैं। देखिए, बाकी क्वेश्चन के आंसर भी आपको देखने होंगे, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा उसमें, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। अब इसमें देखिए सोल्व करना है, तो क्वेश्चन है 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 -y। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको सोल्व करना है। देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, वाई वाले को एक साइड ले जाएंगे, तो इस वाई को मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आऊँगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा y + y। और ये अपॉन वाला दूसरी साइड जाएगा, तो इसका भी साइन चेंज हो गया, तो -5/3। y 2y में कुछ नहीं है इसके आगे, तो 1y आएगा, ये प्लस करेंगे तो आएगा 3y। और देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही आता है। फिर वही डिवाइड करा, 3 से 3 को डिवाइड करा, तो एक बार में गया, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा। फिर वैसे ही इस 3 से इस 3 को डिवाइड करा, तो एक बार में आया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा 26 -5/3। अब 26 में से 5 गया, तो बचेगा 21/3। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, तो 7 आ गया, तो हमारे पास बचेगा 3y = 7। मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके ये डिवाइड में आ जाएगा, तो y = 7/3। तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।